नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाउड किचन के ग्रोथ प्लान की। एक स्टडी के अनुसार जो ये ऑनलाइन फूड बिजनेस है, क्लाउड किचन कह लीजिए, टेक अवे कह लीजिए, या जो भी काम आप फूड का ऑनलाइन कर रहे हैं, वो लगभग 2024 में 2 बिलियन जाने वाला है। 2019 में ये फिगर आपका 400 मिलियन था। आप देखेंगे ये बहुत ही बड़ी छलांग है, बहुत ही बड़ी ग्रोथ है। तो क्या आप जो भी अपना क्लाउड किचन चला रहे हैं, फूड बिजनेस चला रहे हैं, ऑनलाइन कुछ भी फूड बिजनेस का काम कर रहे हैं, तो क्या आप इसमें शामिल हो पाएंगे? क्या जो ये 2 बिलियन की जो इंडस्ट्री होने वाली है, क्या आप उसके अंदर शामिल होंगे? तो यही इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग एक स्टार्टअप कर देते हैं, आपको लगता है कि वीडियोस देख के मैं स्टार्टअप कर लूँगा। आधे से ज़्यादा आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, आधे से ज़्यादा आप लोगों ने स्टार्टअप भी करके रखा है, क्योंकि ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं। या फिर आप कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्स ख़रीद लेते हैं क्लाउड किचन, यहाँ वहाँ से कोई आपको डॉक्टर्स बोल के आपको अपने कोर्सेज सेल कर देता है, पर क्या एक्चुअली में वहाँ से आपने कोई अपने लिए ग्रोथ प्लान रेडी करा है? क्या आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? क्योंकि अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे नहीं, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे एक हम लोग बोल दीजिए एक इम्पॉर्टेंट बात यहीं समझने की है। आप लोगों ने स्कूलों में भी देखा होगा, हम लोग पूरे साल में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, 2 या 3 बार हमारे एग्ज़ाम होते हैं, उससे हमें अपनी ग्रोथ पता चलती है। पर जनरली जब भी हम लोग कुछ भी स्टार्टअप करते हैं, हम लोग कभी भी अपने लिए कोई ग्रोथ प्लान नहीं बनाते हैं। हमारे पास ना कोई स्ट्रेटजीज होती है, ना कोई टेक्निक्स होती है जिसको कि हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए। या तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और कुछ समय के बाद वो चीज़ें बंद हो जाती है, क्योंकि हमें इसके बाद कोई रास्ता दिखता ही नहीं है, या फिर उसके बाद हम लोग किसी की हेल्प लेने के लिए आते हैं कि भैया आप हमें हेल्प कर दीजिए। इवन मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मुझे स्विगी जोमेटो से एक ऑर्डर नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे ऑर्डर स्टार्ट करवा दीजिए, मैं आपको पैसे भी पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ऐसे आंसर देना क्वेश्चंस के कि भैया मैं जिनको जानता भी नहीं हूँ तो मैं उनको क्या बोलूँ कि ऐसा करने से कि आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे, और ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, ये किसी के लिए भी बिल्कुल एकदम सही साबित होगी। वहीं पे अगर हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, जैसे कि अगर एक साल में 12 महीने में है तो हम उनको 3-3 हिस्सों में बांट दें, तो 4 हिस्से हमारे यहाँ हो जाते हैं, और हर हिस्से में हमें रखना है कि हमें किस तरीके से अपनी जो सेल अचीव करनी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं महीने में 50,000 रुपये कमाने लग जाऊं, तो मुझे कितने ऑर्डर्स आने चाहिए, मेरी कितनी सेल होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग आप इसके लिए कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कई सारे अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी मेरे इनरोल्ड मेंबर है मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के, मेरे रेस्टोरेंट कंसल्टेंसी के, मेरे क्लाउड किचन के कोर्सेज, फूड वैन के, फूड ट्रक के कोर्सेज हैं, उनको मैं यहाँ पर प्रमोट करता रहता हूँ। तो वो भी हमारी एक तरीके से स्ट्रेटजी का प्लान ही होता है। हम लोग जो भी उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं उसको करने की भी कोशिश जरूर करते हैं, चाहे उनकी वो फूड कॉस्ट से रिलेटेड हो, चाहे उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड हो। आधे से ज़्यादा आपने देखा होगा कि मैं ही मार्केटिंग करता रहता हूँ, तो वो मेरे सारे क्लाइंट्स हैं, तो एक तरीके से मेरा भी यहाँ पे फर्ज बनता है कि मैं वो सारी चीज़ें उनकी मार्केटिंग करूँ। दूसरा, यहाँ पे आपको एक अपने लिए ग्रोथ प्लान रेडी करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए ग्रोथ प्लान नहीं रेडी करोगे तो जो ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये 2 बिलियन वाली इंडस्ट्री में आप कभी भी शामिल नहीं हो पाओगे। कुछ समय बाद आप खुद ही अपना जो बिज़नेस है उसको बंद करके बैठ जाओगे। अगर आप बिल्कुल ही एकदम आप बोलिए आपकी स्टार्टिंग है, तो आप खुद ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर आप अगर इस सिचुएशन पर आ गए हैं कि आपका काम सही चलने लग गया है, आप महीने में 1,00,000 रुपए तक बचाने लगे हो, या इसके आसपास का ही आपका फिगर है या इससे थोड़ा ज़्यादा है, तो आप किसी एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। आप लोग मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक प्लानिंग करके आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। यह स्ट्रेटजी आपकी मार्केटिंग की हो सकती है, आपको किस प्रकार से बूट स्ट्रैपिंग करनी है, आपको अपने ही पैसों के द्वारा एक दूसरा आउटलेट खोलना है, वो हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं। आप किस प्रकार से अपने आप को एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे ले जाएं, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप खुद के अपने नए ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, या आप क्लाउड किचन हैं तो आप किस प्रकार से एक विजिबल ब्रांड के तौर पर, एक टेक अवे या रेस्टोरेंट के तौर पर, अगर आप ऑलरेडी रेस्टोरेंट हैं तो एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, अगर आप एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैं किसी प्रकार से आप एक 3-स्टार होटल के अंदर आप जा सकते हैं। तो यही सारी प्लानिंग स्ट्रेटजीज फिगर के साथ हम लोग आप लोगों के लिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और यही ग्रोथ प्लान है। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको ये सारी सर्विस लेने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं कि आप मुझे पैसे पे करें, आप लोग खुद ही ये सारी चीजें कर सकते हैं। पर आप अगर इस सिचुएशन में आ गए हैं, या आपका माइंडसेट है कि भाई मुझे किसी एक स्पेशलाइज पर्सन की हेल्प लेनी है, उनकी सर्विसेज लेनी है, और मुझे अपने आप को ग्रो करना है, तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
मैं नीचे अपने व्हाट्सअप का नंबर दे दूंगा, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा। मैं अपने जो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल का फॉर्म भी डाल दूंगा, आप उसे फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद अगर आप मेरी सर्विसेज चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट करके, मुझसे बातें करके एक प्रॉपर प्लानिंग अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है। बाकी ऐसा कोई भी तरीका नहीं होने वाला है कि आप एक चीज़ से, या आप सोच लीजिए अगर आप एक आउटलेट से अगर आप एक 50,000 भी बचा पा रहे तो पूरे साल में आप सिर्फ 6,00,000 रुपए ही बचा पाएंगे। वहीं अगर आप कहीं पे जॉब करने जाते तो उससे ज़्यादा बचा पाते। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरी वीडियो का यहीं पे मैं एक निचोड़ बोलूँगा तो यही है कि आपको एक पूरी प्रॉपर अपने लिए ग्रोथ प्लान रेडी करना है, अपने बिजनेस के लिए ग्रोथ प्लान रेडी करना है, तभी जाके आप जो करने की सोच रहे हैं वो हो पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप भी अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए, आगे उसे बढ़ाने के लिए काम जरूर करोगे। साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप का नंबर नीचे मिल जाएगा, फॉर्म का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उसे भर के मुझे भेज सकते हैं या डायरेक्ट व्हाट्सअप पर भी कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो तब भी चलेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।